नमस्कार दोस्तों, मैं दिलशेर। टाइम नेटवर्क की, जैसा कि आप लोगों को पहले भी क्लास में टाइम नेटवर्क की मैंने बताया, सीरीज चल रही है। तो इसमें हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत कई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि मान लीजिए ए इतने दिन में कर रहा है बी, और शुरू के ए बी। हाँ चलिए पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, तो जैसे शुरू के वीडियो में ए बी सी और ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इस तरह से हम लोगों ने। और पिछले क्वेश्चन में मैं आप लोगों को ये भी दिखाया था कि ए कितने दिन में ये छोड़ रहा है, बी छोड़ रहा है, सी छोड़ रहा है। तो यानी कि कुछ क्वेश्चन हम लोगों लास्ट वाले क्वेश्चन ऐसे देखे थे, यानी कि ए बी और बी और सी, तो यानी कि इसका कुछ दिया रहता था, इसका कुछ दिया रहता था। अब इसमें अलग अलग तो दिया नहीं रहता था, अब आपका पूछ लेता था। तो हम मैंने बताया था कि कैसे कैसे इसको फ्रैक्शन यानी कि तोड़ कर, यानी कि बी अलग दिया रहता था, सी अलग दिया रहता था और ए अलग दिया रहता था। इसको क्या है, इसमें हम लोगों ने एक कनेक्टिविटी यानी कि एक लिंक बना के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। यानी कि अगर लिंक आप लोग नहीं बनाओगे तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन तक नहीं पहुँच पाओगे। यानी कि जो बच्चे ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो पीछे वाली वीडियो, पीछे वाली क्लास जरूर देखें, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि ये वन बाय वन करके क्लास चल रही है, सारे क्वेश्चन आपको कवर किए जा रहे हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। तो इस वाले वीडियो में आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे कि यानी कि जैसे ये छोड़ देता है काम, छोड़ने वाला पढ़ ही रहे हैं सीरीज, तो पहले छोड़ता है यानी कि उस टाइप। देखिए ध्यान से पढ़िए, मैंने बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिया है। ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, ये काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए, अब हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन तो किए हैं, लेकिन ये पहले वाला नहीं किए हैं। तो पहला काम मैंने आप लोगों को सिखाया था कि ये काम क्या करना है, एलसीएम लेना, ए 9 दिन में, बी 18 दिन में। तो यानी कि अब आपका एलसीएम कितना होगा भाई, बहुत सिंपल सा एलसीएम है, सभी लोगों को आ गया होगा 18। तो यानी कि अब आपका ये 9 दिन में करता है, तो यानी कि 2 यूनिट करेगा एक दिन में, बी कितना करेगा, 1 यूनिट करेगा। तो अब आपको क्या किया, उन्होंने एक साथ कार्य को आरंभ किया, तो ये ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले। अब देखो भाई, यहाँ पर अगर पूछता कितने दिन में खत्म होगा तो आप 3 से डिवाइड कर देते, अब आपका इफिशियंसी डिवाइड कर देते, आपका 6 दिन आ जाता 18 में से 3 से। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको तो पता तो है नहीं कि कितने दिन में काम खत्म होगा, कौन छोड़ेगा, यानी कि अब आपको क्या है, जेएक्स वाला मेथड लगाना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को इसमें एक्स वाला तो नहीं बताऊंगा, आपको डायरेक्ट आपको मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन को कैसे, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आप देखो, एक्स से करोगे आपका टाइम खराब होगा, बहुत लेंदी क्वेश्चन जाएगा। तो आपका देखिए, इन्हें काम, ये काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। तो भाई देखो, अगर ए 3 दिन नहीं छोड़ते, 3 दिन पहले नहीं छोड़ता, तो अपनी इफिशियंसी से क्या करता है ये, इतना 3 × 2 यानी कि 6 यूनिट तो काम करता ही भाई, करता कि नहीं करता, करता। तो चलो भाई, तो यानी कि ए अगर नहीं छोड़ता तो काम करता, तो हम ये लोग इसमें इस टाइप के क्वेश्चन जैसा जहाँ भी रहे तो हम लोग ये काम इसमें कर सकते हैं कि ए 18 आपका क्या हो गया, टोटल वर्क आपने माना है। तो अगर ए को हम ना जाने दें तो ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा 6 दिन काम कर देगा, तो यानी कि तब काम कितना हो जाएगा, 24 दिन। तो देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो पहले छोड़ने वाला है उसको छोड़ने मत देना, उसको उतने दिन तक काम करा के रखो एक्स्ट्रा काम, फिर आपको ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा पुराने जैसे। अब यानी कि अगर ये रहता तो 6 काम करता, तो हम पहले से ही 6 ऐड कर दिए, अब हम इसको ए और बी के इफिशियंसी से भाग देंगे तो इसके वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 2 + 1 से अगर हम भाग देते हैं 24 को, 3 से भाग दे देते हैं, कितना आ जाएगा, 8 दिन। यानी कि आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ गए। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो आपको क्या करना है कि जो छोड़ने वाला काम हो उसको छोड़ने नहीं देना भाई, उसको पकड़ के रखना है, उससे उतना दिन काम करा लीजिए, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, इसी टाइप का हम लोग
आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है भाई, 18 दिन में कर रहा है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। अब कह रहा है उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। चलो भाई पिछले बार में ए छोड़ रहा था, अब इसमें क्या हो रहा है, बी छोड़ रहा है, तो पहला काम क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। अब देखो 36 ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क 36 यूनिट, यानी कि हम जो भी चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं वो यूनिट में है, यानी कि 36 यूनिट अगर ये काम करता तो एक दिन का इसका काम क्या हो जाता, 2 यूनिट, ऐसा कितना हो जाएगा, 3 यूनिट। अब देखो भाई अब इसमें कौन छोड़ रहा है काम, बी छोड़ रहा है भाई, ध्यान से देखो यहाँ पर बी छोड़ रहा है, यानी कि इसको छोड़ने नहीं देना है, यानी कि 36 काम तो है 36। अब अगर बी 3 दिन पहले नहीं छोड़ता तो अपनी इफिशियंसी थी 3 दिन काम करता तो कितना काम कर देता, 9 काम कर देता, समझ में आई बात। तो यानी कि अब आपको इसका 36 में ऐड कर दोगे 9 काम, क्योंकि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसी को इसी से डिवाइड करेंगे जो हम लोगों ने ऐड किया, ताकि कोई फर्क ना पड़े। तो यानी कि अब आपका कितने से डिवाइड करेंगे, 45 आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन पहले जैसा हो गया, 45 को अब कितने से, 2 + 3 यानी कि 45/5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 9 दिन। तो यानी कि जो आपका आ गया आंसर वो कितना आ गया, 9 दिन। तो काम पूरा कितने दिन में, 9 दिन। देखो आप लोग कंफ्यूज नहीं होने कि सर जोड़ क्यों रहे हैं, जोड़ इसलिए रहे हैं कि जो पहले छोड़ रहा है, तो एक चीज़ अपने से समझो भाई कि अगर ये छोड़ता नहीं काम तो क्या करता, ये काम करता, तो उसी काम को मैं पहले ही करवा के इसको इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, यानी कि इसको छोड़ नहीं रहा हूँ, ताकि आपके आंसर में कोई फर्क ना पड़े। चलिए बिल्कुल इसी के जैसा एक अगला क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर आपको वीडियो आगे बढ़ाना। तो चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 24 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ देता है भाई, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, बस इसमें अंतर क्या है, इसमें ए बी और सी का दिया है। तो चलो भाई सॉल्व करो, ए का कितना, 24, बी का 30 और इसका सी का 40। तो अब आपको एलसीएम निकाल लिए होंगे भाई, एलसीएम बताओ कितना, 120। अब टोटल वर्क कितना हो गया, 120 हो गया, 120 है, ये 24 दिन में कर रहा था, यानी कि एक दिन में कितना करेगा भाई, 5 करेगा, ये कितना करेगा, 4 करेगा, और ये कितना करेगा, 3 करेगा। बात समझ में आई, चलिए अब आगे बढ़ो। मैंने आपको बताया है कि जो काम छोड़ने वाला होगा उसको क्या करना है, काम छोड़ने नहीं देना है, उसको काम कराना भाई, उसको पकड़ के रखना है। सी अगर रहता तो अपनी इफिशियंसी से, 3 इफिशियंसी से कितने दिन तक, 4 दिन तक काम करता, कितना, 12 यूनिट करता। बात समझ में आई, अब आपको मैंने सिंपल सा समझाया है इसको करना क्या है, कि 120 में 12 को ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा, 132, यानी कि अब 132 काम हो गया। क्यों, क्योंकि ये 12 जो काम है, ये नहीं जो कर रहा है, इसको हम मैं रख के यही काम इससे करवा रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है, 132 को क्या करना है, ए की बी की और सी की इफिशियंसी से क्या करना है, भाग देना। तो ए की इफिशियंसी 5 + 4 + 3, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12। तो यानी कि 132 को आपको 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 11 दिन। तो यानी कि काम कितने दिन में समाप्त होगा, 11 दिन। ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे, तो कौन सा आंसर, डी, समझ गए होंगे। तो मैं एक बार फिर समझा दूं कि जहां पर भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, जो काम खत्म होने से पहले खत्म छोड़ रहा हो, तो उसको क्या करना है, उतना दिन तक काम करा लेना है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इसी सीरीज में हम लोग आगे देखते हैं कि थोड़ा सा जब वेरिएशन होता है तब कैसे क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चीज़ें अलग अलग है। देखिए 3 व्यक्ति कौन कौन है, राम है, और कौन है, विकास है, और कौन है भाई, सतीश है। किसी कार्य को 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में
पूरा कर सकते हैं। ये तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं। राम काम खत्म होने से 2 दिन पहले, विकास काम खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो वही चलिए वही देखते हैं, यानी कि राम राम का कितना 10, विकास का कितना 12 और सतीश का कितना 15, यानी कि एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 60, 60 एलसीएम आ गया। तो राम अगर 60 काम को 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 6 यूनिट, ये कितना करेगा 5 यूनिट, ये कितना करेगा 4 यूनिट। तो यानी कि राम की इफिशेंसी कितनी हो गई 6, विकास की 5 और सतीश की 4। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया है कि जो ऐसे जब क्वेश्चन आए तो जो भी काम छोड़ने वाला हो उसको छोड़ने नहीं देना, यानी कि आपका 60 टोटल काम है। अब राम का क्या करना है भाई, 2 दिन का काम, यानी कि राम का 6 एफिशिएंसी कितना 12 है, ये हो गया। अब कौन विकास भी है, विकास कितना 3 दिन छोड़, 3 दिन पहले छोड़ रहा था, इसको भी 3 दिन काम करा लो, कितना कितनी एफिशिएंसी है विकास की देख लीजिए 5, यानी कि कितना हो गया 15, यानी कि 27 काम जो है वो एक्स्ट्रा हो गया, उसको क्या करना है आपको 60 में ऐड कर लेना 27 को, तो कितना हो जाएगा 87, यानी कि अब जो काम हो गया वो 87 हो गया, 87 हो गया। अब इसको कौन करेगा, राम करेगा भाई तीनों मिलके, क्योंकि अब ये क्वेश्चन पहले जैसा हो गया कि अब इसमें कोई भी क्वेश्चन कोई भी व्यक्ति काम छोड़ नहीं रहा, क्यों, क्योंकि हमने जो छोड़ने वाला काम था उसको हमने पहले ही ऐड कर लिया, यानी कि राम विकास और सतीश 6, 5 और 4, यानी कि कितना हो गया 15, यानी कि ये 15 क्षमता से करेंगे तो कितना होगा भाई 15 25 75, 5 सही 12/15, अब इसको और सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 5 सही 4/5, यानी कि कौन सा आंसर आ गया भाई आपका पहला ही ऑप्शन है, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, देखिए ए है, ए किसी कार्य को, ये बी तथा सी क्रमशः 10 दिन में 12 दिन में 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ कर दिया, ए एक दिन बाद छोड़ देता है और बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ध्यान से देखना है यह क्वेश्चन। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि केवल पहले था, अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि बाद वाला भी है और पहले वाला भी है, अब इसमें क्या है दोनों मिक्स करके, तो ध्यान से समझिए इसको, पहला काम हम वही करेंगे, ए कितने दिन में, ए 10, बी 12, सी 15, अब इसको क्या करना है, अब आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया, तो ए का कितना हो गया 6, बी का 5 और सी का 4। चलिए अब देखिए क्या बोल रहा है, उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया ए बी और सी मिलकर, यानी कि 6, 5 और 4 की कार्य क्षमता से इन्होंने कार्य को आरंभ किया, कितना 15 दिन, अब एक दिन बाद ए छोड़ देता है, तो यानी कि भाई तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 काम तो इन्होंने खत्म कर दिया। चलिए अब देखते हैं कि कितना काम बचा है, तो यानी कि 60 में से अब आप 15 घटा दोगे तो 45 काम बचा है। अब देखिए अब हम आगे स्टेप में चलते हैं, और बी काम समाप्त होने से पहले दो दिन पहले काम छोड़ देता, अब देखिए अब इसमें ए का तो कोई मतलब है नहीं क्योंकि ए ने काम अब छोड़ दिया है, अब कौन कर रहा है बी और सी कर रहे हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें फिर पहले जैसे क्वेश्चन हो गया, 2 दिन पहले छोड़ रहा है, यानी कि जो बी है बी का अगर हम 2 दिन काम करा दें अपनी एफिशिएंसी से, यानी कि 5 × 2 तो कितना हो जाएगा 10, अब इसको क्या करना है, अब इसमें 10 जोड़ लो तो अब जो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा 55, इसको करना क्या है वही यानी कि बी और सी से भाग दे देना है, यानी कि बी और सी का क्योंकि बी और सी ही कर रहे हैं तो 55/9 तो इसको क्या हो जाएगा 6 सही 1/9, तो यानी कि अब आपका आंसर जो आ गया तो भाई ये पहले कितना दिन तक काम किए थे ये लोग
पहले एक दिन किए हैं, बाद में कितना दिन किए हैं, 6 सही 1/9। यानी कि अगर केवल 6 सही 1/9 लगा के अगर टिक करोगे तो आपका पहला आंसर आ जाएगा, लेकिन ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के इसको आंसर टिक करना है तो आपका क्या है, 7 सही 1/9, जो कि कौन सा आंसर, बी है। समझ में आई बात। चलिए आगे वाला हम क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से इसको पढ़िए। अब देखिए ये क्या है, अल्टरनेट डेज वाला। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 10 दिन में और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने कार्य आरंभ किया और वे एक दिन के अंतराल पर कार्य किए, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। समझ गए भाई। चलिए तो अभी हम लोग पहला काम वही करेंगे, ए कितना, 10 दिन, बी 15 दिन, तो यानी कि इसको सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यानी ए का कितना हो गया 3 और बी का कितना हो गया 2। अब ध्यान से देखिए, ए ने कार्य आरंभ किया, पहले ए कर रहा है फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, यानी कि अल्टरनेट, पहले दिन ये, दूसरे दिन ये, पहले दिन ये, अगले दिन ये, यानी कि तीसरे ये, चौथे ये, पाँचवें ये, छठे ये, यानी कि इसी तरीके से जब तक काम खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये लोग करेंगे भाई। तो यानी कि ए कितना करेगा, 3, और ये 2। अब कितना करना है इसको, 30 तक जाना भाई। तो यानी कि एक तो तरीका आपके पास ट्रेडिशनल तरीका है कि इसी तरीके से आप लोग करो भाई, सॉल्व करो, यानी कि 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2, यानी कि कितना हो गया, 5 काम ये हो गया, 5 10 15 20 25। तो यानी कि और थोड़ा सा आपको 2 दिन और चलना है, 3 और 2। अब देखो कितना दिन हो गया, अब आप जोड़ के बताओ, एक दिन ये किया, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, पांचवें दिन ये, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, दसवें, 11 12। यानी कि ये टोटल काम इसको कंप्लीट करने में कितना दिन लगा, 12। यानी कि ये तो आपका एक बेसिक तरीका है यहाँ तक क्वेश्चन। यानी कि अगर ये 30 के जगह पे लेंदी एलसीएम आ जाए, बड़ा बड़ी डिजिट आ जाए, तब कैसे करोगे भाई। तो यानी कि जब बड़ा डिजिट आ जाएगा तो उसके लिए आपको क्या करना, ए का एक दिन का काम कितना है, 3 करा है पहले दिन, और दूसरे दिन सेकेंड डे बी करेगा, कितना करेगा, 2 इफिशियंसीज करेगा। तो यानी कि ए और बी का 2 दिन का काम कितना हो गया भाई, 5 हो गया। यानी कि 2 दिन में ए और बी कितना कर दिए, 5 कर दिए। अब आपको करना कितना है, इसको 30 करना है। तो ध्यान से समझिए, यानी कि 30 इसको क्या कर सकते हैं, 6 से गुणा करके हम 30 बना सकते हैं, कितना हो गया, 30 आ गया भाई। तो अब इधर भी हम, क्योंकि हमें एक पक्ष में जो हमने गुणा किया वही दूसरे पक्ष में भी गुणा करना पड़ेगा, इधर भी हम 6 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। यानी कि जो हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से 12 आंसर निकाले थे, इसको हम लोगों ने 2 सेकंड में भी ऐसे ही सॉल्व करके निकाल लिया। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखें, सेम ऐसे ही क्वेश्चन मैंने लिया है। अब आपको इसको क्वेश्चन को रोकना है, वीडियो को, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 9 दिन तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने कार्य को आरंभ किया और वे एक दिन के अंतराल पर कार्य को किया, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। चलिए ध्यान से इसको समझना है भाई। ए कितना 9, बी कितना 12, यानी कि इसका एलसीएम लोगे आप लोग कितना आ जाएगा, 36, और इसका 4, इसका 3, यानी कि ये 4 क्षमता हो गई, इसकी 3 क्षमता हो गई। अब कौन कर रहा है, ये शुरू कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ये कर रहा है, फिर बी कर रहा है, तो आपको कहाँ तक जाना होगा, 36 तक। यानी कि इस तरह से आपको करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार, इसी तरीके से देखते हैं, 4 + 3 + 4 + 3 + 4 + 3 + 4 + 3 कितना हो गया, 7 ये 21 28, और फिर अब आपका कौन आ गया, ए, तो 4 32, फिर उसके बाद कौन आ गया, 3 बी आ गया। तो यानी कि
अब आपका यहाँ तक हम लोगों ने कितना 35 काम कर लिया, अब 35 आपको 36 करना है भाई, तो अब किसका नंबर आ गया है, ए का नंबर आया है। तो ये एक दिन में, एक दिन का ए का काम जो है वो कितना है, 3 है, तो अब उसको एक यूनिट काम कराना है तो उसको कितना लगेगा, 1/3 दिन लगेगा। तो यानी कि कितना दिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10 सही 10 दिन तो ये लगा, 1/3 दिन, यानी कि 10 सही 1/3 दिन लगा। और जो तरीका अभी मैंने आप लोगों को सिखाया है उसको कैसे करेंगे अप्लाई, देखिए ए ने कितने, 4 यूनिट, बी दूसरे दिन बी करता है 3 यूनिट, तो यानी कि ए और बी का 2 दिन का काम कितना हो गया भाई, 7 हो गया। अब आपको इसके नियर अबाउट में गुणा करना है, देखिए पिछले क्वेश्चन में 30 था तो डायरेक्ट गुणा हो गया, इसका मल्टीपल था, अब यहाँ पर तो 36, 7 का मल्टीपल तो है नहीं, अब आपको क्या करना है, उसके नियर अबाउट संख्या में चले जाना है, यानी कि 35 है इसके, तो कितने से गुणा कर दूँ, 5 से गुणा कर दूँ, तो मैं इधर भी 5 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि 10 दिन में कितना कर दिया, 35 काम कर दिया। अब इसको एक काम और कराना है, तो अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि एक काम कराने के लिए उसको कितना लगेगा, 1/3, यानी कि 35 काम तो हो गया और प्लस एक काम कराना है, तो 10 दिन ये लग गया था 1/3 दिन, यानी कि 36 काम भी हो गया और एक सही 1/3 दिन भी लग गया। बात समझ में आई हो, यानी कि दोनों तरीका मैंने आप लोगों को इसमें सिखा दिया कैसे करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, ए किसी कार्य को कितने 12 दिन में, बी उसी कार्य को 18 दिन में। अब आपको पहला काम क्या करना भाई, देखिए पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए ने आरंभ किया और वे एक दिन के अंतराल पर कार्य किए, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर, चलिए वही काम करना, आपको क्या करना, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा और यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2। तो आपको वही ट्रेडिशनल तरीका लगाना है, तो भाई ए लगाना होगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, यानी कि इस तरह से काउंट करके आपको आंसर पे जाना है। और दूसरा तरीका जो मैं अभी सिखाया हूँ उसको अप्लाई करते हैं, यानी कि ए का एक दिन का काम कितना होगा, 3, बी का दूसरे दिन का काम कितना है, 2 यूनिट। यानी कि अगर 2 दिन का ए और बी का काम हम देखें तो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये देख लेंगे, अगर इसका मल्टीपल है, देखिए 36, 5 का मल्टीपल तो है नहीं, तो आप उसके नियर अबाउट मल्टीपल में जा सकते हैं, यानी कि 35 अगर मैं गुणा कर दूं तो 35 आ जाएगा, तो 35 गुणा कैसे आएगा, 5 में कितने से गुणा करूँ, 35 आ जाएगा 7 से, यानी कि 7, 5, 35, तो भाई हमने 7 इधर गुणा किया तो आपको 7 इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो आपने 7 से गुणा कर दिया तो कितना आएगा, 14। अब देखिए 14 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया, 35 काम कर दिया। अब देखो, अब सोच रहे होगे कि किसकी बारी आएगी, कैसे हमें पता चलेगा, अब देखो हर तीसरे दिन, अब आप 2 में किसी से भी संख्या से गुणा करते हो तो अब क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। अब देखो ऑड पे किसका नंबर है, ए का है, यानी कि जो 15वां दिन आएगा वो किसका आएगा, ए का आएगा, और ये अपने कार्य क्षमता से करेगा, यानी कि ए जो कर रहा है वो एक दिन में कितना कर रहा है, ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 ही काम कर रहा है, तो उसको एक काम कराना है तो कितना लगेगा, 1/3 दिन लगेगा। समझ गए, तो यानी कि 14 सही 1/3 दिन में ये एक काम और ऐड हो जाएगा, जो आपका 36, क्योंकि आपको ये 36 ही पूरा करना था, तो कौन सा आंसर भाई, आपका फर्स्ट वाला ही, समझ गए, ये फर्स्ट 14 सही 1/3, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 30 दिन, 20 दिन तथा 10 दिनों में पूरा कर सकते, ए एक दिन बी के साथ तथा एक दिन सी के साथ एक दिन के अंतराल पर कार्य करता है, तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, ध्यान से पढ़िए भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले तो
ए बी के साथ कर रहा है, फिर ए सी के साथ कर रहा है। ध्यान से समझना इसको। पहला तो काम आपको क्या करना है, ए 30, बी 20, सी 10। आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम बहुत सिंपल सा है, आ गया होगा 60। यानी कि ए 60, तो इसका इफिशियंसी कितनी हो गई, 2, इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 6। चलो भाई, अब अगर ये पूछता कि तीनों कितने दिन में करेंगे, या अल्टरनेट करते, तो पहले मैं ए लिखता, बी लिखता, सी लिखता। लेकिन यहाँ पर इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन, ए बी के साथ किया है और ये सी के साथ किया है। तो चलिए, अगर ए और बी को एक साथ मैं काम कराऊं तो कितना करेगा भाई, 5 यूनिट पहले दिन। फिर ए और सी को मैं काम कराऊं तो कितने दिन, 8। तो यानी कि एक दिन का इनका काम और एक दिन का इनका काम, जो तरीका अभी मैंने सिखाया है, यानी कि ये दूसरे दिन है। तो यानी कि 2 दिन का इन सब इनका काम, 2 दिन का कितना हो गया भाई, 13। अब आपको क्या करना है, 60 तक जाना है भाई। तो मैंने बोला अगर 13, अगर 60 13 का मल्टीपल होता तो आप क्या करते, उसी से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट चले जाते। लेकिन आप उसका मल्टीपल तो है नहीं, लेकिन वहाँ तक नियर अबाउट मैंने बोला है कि जा सकते हैं। यानी कि अगर हम 4 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 52। अगर तब इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा आपको, तो कितना आ जाएगा, 8। अब ध्यान से देखिए, 52 काम तो इन्होंने कर दिया। अब नंबर किसका आएगा भाई, ए और बी वालों का। यानी कि ए और बी अगले दिन काम करेंगे, कितना, 5 काम करेंगे, तो कितना हो गया, 57 काम। देखिए काम अभी भी नहीं पूरा हुआ, 9 दिन तक इन्होंने कर लिया और 57 काम कंप्लीट किया। काम कितना करना है आपको, 60 करना है। तो ध्यान से देखिए भाई, ए प्लस सी कितना कर रहा है, एक दिन में 8 काम कर रहे हैं एक दिन में। अगर तो मैं अगर इनका एक काम पे पूछूं तो क्या होगा, 1/8 दिन। कराना कितना भाई, 3। तो 3 काम कितना हो जाएगा, 3/8 दिन। बहुत ध्यान से समझना। अब देखिए, आपका 3 काम हो गया, 60 पूरा हो गया, और यहाँ से कितना जोड़ोगे, 3/8। यानी कि 9 और 3/8 जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 9 सही 3/8, जो कि आपका कौन सा, ए वाला ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम लोग देखे कि एक ए बी अगर अल्टरनेट कर रहे हैं तो भी हमने क्वेश्चन देखा, ए और बी मिलकर कर रहे हैं या ए सी अल्टरनेट पे कर रहे हैं, उस टाइप के भी क्वेश्चन देखें। तो हम लोग आगे इसी सीरीज में हम लोग देखेंगे कि और सारी चीज़ें कैसे करना। तो अब अगला जो क्लास होगी आपका, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन मिलता होगा कि ए 1/4 समय में 10 काम पूरा, 1/10 कार्य 4 दिन में पूरा करता है, बी 1/8 काम 10 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में। यानी कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसको हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया हूँ या जो करा रहा हूँ आपको, तो क्या करना है कि अपनी बुक या जो भी प्रैक्टिस सेट होगा या प्रीवियस ईयर जो भी आपके पास SSC CGL या 10+2 UPSI और लेख पाली का या जिसकी भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें दिए होंगे। तो अब आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसमें से देखना है कि जो सर करा रहे हैं जो क्वेश्चन, ये इसमें है तो जिस मेथड से उन्होंने सॉल्व कराया है उस मेथड से मेरा आंसर आ रहा है या नहीं। तो आप लोग उसको सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं। तो इस वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है, लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। हाँ।